हमेशा अच्छी रहती है एंड ये बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस है क्योंकि मैं सावधान इंडिया सम्मान अवार्ड्स के लिए परफॉर्म कर रही हूँ एंड ऐसे अवार्ड्स बहुत ही कम होते हैं हमारे जो होते रहते हैं स्टार परिवार अवार्ड्स और यू नो हम जो जो सब कुछ बेस्ड हम पे होता है बट इस बार हम रियल हीरो रियल लाइफ हीरोज़ के लिए परफॉर्म करने वाले हैं एंड द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो आर बेस्ड ऑन लाइक मेरा जो परफॉर्मेंस है इट्स बेस्ड ऑन रे ऑफ लाइट एक होप तो इट्स फन इट्स वेरी नाइस बहुत ही अच्छा एक्ट है पुनीत ने कोरियोग्राफी की है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस परफॉर्मेंस बिकॉज अच्छा लगेगा रियल लाइफ हीरोज़ के सामने परफॉर्मेंस देने के लिए आई थिंक सावधान इंडिया जैसे शोज मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ स्केड्यूल की वजह से लेकिन मेरी फैमिली में सब लोग देखते हैं एंड आई थिंक इट इज़ वन शो जहाँ पर अवेयर किया जाता है लोगों को क्या करना चाहिए क्राइम के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करना चाहिए कैसे उसको उसका सामना करना चाहिए विच इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज इस करे उस यू नो ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एजुकेशनल शो एंड देयर समथिंग यू लर्न फ्रॉम इट इस चीज़ के लिए आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है इस डांस की वेल कल तो शो है तो तैयारी तो दिलो जान से चल रही है एंड रिहर्सल अच्छी की है लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्ट है बिकॉज कोरियोग्राफी डिफ़िकल्ट है लेकिन हमेशा अच्छी अच्छी और नई नई कोरियोग्राफी करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज दिस ऑलवेज सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट टू इट तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और ऐसा नहीं चाहती कि कभी ऐसा कुछ हो बिकॉज बहुत ही डर लगता है ऐसी चीज़ें होती है और जब ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ भी होती हैं तो बहुत हमें कुछ सीखने को मिलता है तो आप सब भी सीखिए अपने तरीके से करिए ऐसे शोज़ देखिए सावधान इंडिया टाइप्स बिकॉज इससे हमें सीखने को मिलता है और ऐसे शोज़ और बनने चाहिए थैंक यू थैंक यू मच